कार्स को इंडिया में उस हाई स्टेटस पर देखा जाता है, उस रॉयल लेवल पर देखा जाता है जो उसमें बैठे पर्सन की सक्सेस को दिखाता है। जहां लोग कार्स को देखकर उसमें बैठने वाले पर्सन को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जहां लोग इंडिया में जिसके पास कार्स होते हैं उसे लोग एक हाईली एजुकेटेड और हाईली बिजनेसमैन और उस सक्सेस व्यक्ति के तौर पर देखते हैं जिसने जिंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें हासिल की। वहीं दूसरी कंट्रीज में कार को एक ट्रांसपोर्ट का जरिया माना जाता है जिससे वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो टुडेज टॉपिक व्हाई टाटा नैनो फेल्ड। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो इनटू दिस वीडियो। टाटा नैनो जो कि रतन टाटा जी का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। उनका सपना था कि हर भारतीय के पास एक कार हो, हर एक भारत का व्यक्ति कार का आनंद उठा सके, इसीलिए उन्होंने नैनो को लॉन्च किया, जिसका प्राइस उन्होंने केवल एक आईफोन जितना रखा। तो फिर नैनो क्यों फेल हुआ, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे चार मेन रीजंस के बारे में जो हमें बताते हैं नैनो क्यों फेल हुआ, क्यों लोगों ने रतन टाटा जी के सपनों को वालू के ढेर के समान घेर दिया। तो रीजन नंबर वन, नॉट फिक्स अ प्राइस। नैनो का प्राइस 1 लाख था, लेकिन जब कस्टमर उसे खरीदने जाता था तो उसे 2 लाख या 1.5 लाख में पड़ा। ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर रहा नैनो के बारे में। इससे लोगों को लगने लगा कि हम थोड़ा और पे करके एक एक्स्ट्रा स्पेस कार ले सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ नैनो के बारे में। रीजन नंबर टू, ड्यू टू फायर इन नैनो कार। नैनो कार में एकदम से आग लग जाना, इस कारण लोग डर गए और जितनी ही जल्दी इस कार की मार्केट में ग्रोथ हुई थी, इस कार को मार्केट में फ्रेम मिला था और उतनी ही जल्दी इसमें आग लगने के कारण इसकी सेल्स पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा। लोग इस कार को खरीदने में डरने लगे और वो हिचकिचाने लगे इस कार को खरीदने में, और ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ नैनो की सेल्स पर। रीजन नंबर थ्री, कस्टमर परसेप्शन। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि इंडिया में कार को किस परसेप्शन से या किस नज़रिए से देखा जाता है, वो देखने का नज़रिया नहीं दे पाया टाटा नैनो, और लोगों ने इसे एक चीपेस्ट कार और एक मजबूरी के तरीके से देखना चालू कर दिया। ये लोगों को वो एटीट्यूड नहीं दे पाया जो बाकी कार देती हैं, बजाय इसके इसको एक लटखटिया कार के रूप में जाना जाने लगा। नैनो इंडिया के कस्टमर परसेप्शन को नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ पाया कि आने वाले समय में वो नैनो को किस नज़रिए से देखेंगे, और लोग उसे एक चीपेस्ट कार के रूप में जानने लगे और नैनो के प्रति उस नज़रिए को चेंज कर दिया। रीजन नंबर फोर, ड्यू टू टेक्निकल इशू। जैसे कि पुअर राइडिंग, पुअर बिल्ड क्वालिटी, स्मॉल स्पेस, ये पॉइंट जो कि टाटा नैनो के फेलियर साबित हुए। और एक और फेलियर साबित हुआ प्रोडक्शन इशू, लॉन्ग वेट टाइम डिलीवरी के कारण। इसके कारण लोगों के मन में जो नैनो के क्रेज था और जो एक्साइटमेंट था वो कम हो गया, और इन्हीं सब कारणों के चलते सन 2019 में केवल एक टाटा नैनो बिकी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें।